गोंयभरच्या मुस्लिम भावांनी आयतारा ईद व्हडा उमेदीन आनी खोशी वाटेत मनयले. हो ह्या वर्साचो दुसरो ईद उत्सव. पयलो ईद उल फित्र मे म्हयन्यात जाल्लो. दोन ईदांतलो पवित्र ईद मानपी ईद अल अदा हो उत्सव इब्राहिम पैगंबराच्या अल्लाच्या भक्तीचो उगडास करून दिता. सावदी अरबांत हो उत्सव मनयल्या एका दिसा उपरांत भारतांत ईद अल अदा सुरू जाता. अंदू सावदी अरबांत शेनवारा 9 जुलयाक ईद अल अदाचो पयलो दीस मनयलो. हाचे उपरांत भारतांत आयज 10 जून सावन ईद अल अदाचो उत्सव मनयतात. ईद अल अदाचो उत्सव दया आनी मोगाच्यो भावना दाखयता. आज ईद सुहा है. आज के दिन मुसलमान दुनिया भर में अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में कुर्बानी पेश करते हैं. कुर्बानी हजरत इब्राहिम आला नबीना अलैहि सलातु व सलाम की सुन्नत मुबारक है. उसी सुन्नत मुबारक पर अमल करते हुए अल्लाह की बारगाह में हम कुर्बानी पेश करते हैं. और कुर्बानी नाम है अल्लाह का कुर्ब हासिल करने का. बंदा अपने माल की कुर्बानी देकर अल्लाह तबारक व ताला के करीब होता है. लिहाजा इसी का नाम कुर्बानी है. रब ज़ुल्जलाल तमाम कुर्बानी का अहतमाम करने वालों की कुर्बानियों को कबूल फरमाए. और बिलखसूस हम दुआगो हैं हमारे मुल्क हिंदुस्तान के लिए कि अल्लाह तबारक व ताला हमारे मुल्क में अमन व अमान पैदा फरमाए. और बिलखसूस गोवा में अल्लाह तबारक व ताला अमन व सुकून अता फरमाए. जो तमाम जगहों पर तशद्दुद का माहौल है, अल्लाह तबारक व ताला उस तशद्दुद के माहौल को पुर अमन पैदा फरमाए और हमारे अंदर इत्तेफाक व इत्तेहाद अता फरमाए. हम सबको एक दूसरे के साथ मिलकर मोहब्बत से रहने की तौफीक अता फरमाए. यही हमारा पैगाम है. और यही हम हर शख्स को मोहब्बत और अमन का पैगाम देते. हमारा मजहब इस्लाम यही हमें सिखाता है. गोवा 365 खातिर फोणेच्यान कृष्णा नाईक.